Hi everyone, welcome for us YouTube channels. And today we discuss about how to install MySQL SMS. Okay, जैसे पिछला क्लास में आप लोगों को मैं बताया था कि SQL MySQL कैसे डाउनलोड करते हैं. ओके, इजी मेथड, सबसे इजी मेथड आपको मैं बताया था. जिस लोगों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो पहले देख लो, आफ्टर देन वो वीडियो देखना. अभी स्टार्ट करते हैं. आई एम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ माई एक्सक्यूएल SMS एंड नाउ टू प्रिपेयरिंग इंस्टॉल. इट इज अ टेक मोर टाइम. मैं इतना एक एक क्यों बता रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को पढ़ने के लिए आसान होगा, क्योंकि एक वीडियो सेपरेट वीडियो में इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आप लोगों को बताया. नीड अ यस बिकॉज इज पास एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर ऑल्सो. एकदम आसान भाषा से, आसान हिंदी लैंग्वेज से आप लोगों को मैं पढ़ाई करूंगा SQL. ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा एंड प्रॉपरली मैं आप लोगों को समझाऊंगा. क्या भी मतलब प्रॉब्लम होगा आप लोगों को बताओ मेरे को. ठीक है, नो प्रॉब्लम, आसान भाषा से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. जैसे नाउ क्लिक द कस्टम. ठीक है, ओके, मैन्युअली सिलेक्शन. जैसे हम मैन्युअली सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, देन क्लिक द नेक्स्ट. दिस बॉक्स आर अवेलेबल प्रोडक्ट, SQL प्रोडक्ट. ओके, क्लिक दिस इज एक्सपांड माई SQL सर्वर, देन एक्सपांड माई SQL सर्वर, अगेन एक्सपांड माई SQL सर्वर. This is latest version MySQL server. After then click error button. Okay. Now side में showing. Okay. This side में show कर रहा है product to be installed. Okay. इस side में जो भी show करेगा ना इस side में, that means वो हम इसको हम install करेंगे. ठीक है. Then click now application. Then click now MySQL workbench and expand please. MySQL workbench. This is the latest version. Okay. And I click now MySQL. MySQL cell. Then expand now. Same thing. After then click the arrow. Okay. Okay. Now needed 3 product to be installed. Okay. Only 3 product required. After then click next button. Yes. Configuration. सपोज इफ यू सिलेक्ट इंस्टॉल डायरेक्टरी मैनुअली, में मेरा वो डिफॉल्ट है सी ड्राइव में मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ. आप इधर ब्राउजिंग करके भी कर सकते हैं, तो दूसरा कोई ड्राइव आपको होगा तो दूसरा कोई ड्राइव में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट मैं सी ड्राइव में सेव करूंगा, इसलिए सी ड्राइव भी रखने दूंगा मैं. तो नेक्स्ट क्लिक करूंगा. फिर आफ्टर देन पुश पर स्टिल वर्किंग इज योर रिस्पेक्शन पाथ आर यू कंटिन्यू. यस यस, मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ. So it is now installed, ready to install. It is dependent your internet speed. Okay. Then click now execute. After then continue to install in process. It is take a time. एकदम हम SQL में प्रैक्टिकल करके जाएंगे, सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ हम पढ़ाई करेंगे एंड आप लोग भी बहुत मजा आ जाएगा. इतना बड़ा बड़ा वीडियो भी मैं नहीं क्रिएट करूंगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो क्रिएट करूंगा एंड आप लोगों को भी समझने के लिए आसान होगा. ठीक है,
Second step already completed, and now my SQL cell. Remember one thing. This is my SQL Server 8.0.27. That is latest version. Okay, latest version also same. Do thing. 8.0.27 MySQL. That is latest version also. Okay. जैसे वो कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है प्रोडक्ट. ओके, आफ्टर देन क्लिक नेक्स्ट. आफ्टर देन क्लिक टू नेक्स्ट. दैट इज और डिफॉल्ट पासवर्ड आल्सो, सपोज डिफॉल्ट सेटिंग आल्सो, देन इज नीड टू नॉट अ चेंज. ओके, क्लिक सेम ऑल्सो डिफॉल्ट सेटिंग. ओके, एंड दिस करेंट रूट पासवर्ड आई एम ऑल्सो PARES. Check successfully. This is my old password. Standard user also. Same also default setting. After then execute all configuration execute. After then take a some time also. After then all configuration are done. Okay. Then my SQL proper installing. Yes. This configuration for my SQL server was successfully. Install. Okay, then click finish to okay. Port same also, then installation finish. Okay, yes, same also. Yes, same also. Site is welcome to my SQL workbench showing now. Okay, but this user showing that is root user. Okay, my SQL में root user that means administrator जैसे root बोलते हैं वो default user होता है. my SQL में root user हमेशा default user होता है. ठीक है ना, जैसे आप लोग वो configure के time में जो password दिया था इसका वही password ही होगा. Yes. Yes. Now that is open. Okay. This is my password also. Suppose my show database. So also same click that database. Also click the tab button. Then also after then click this option. Also showing the database, which database you are available now. Okay. Okay, now I'm cancel कर दूंगा अभी. जैसे हमारा two classes complete हो गया है, जैसे पहला class how to download my SQL and second class how to install my SQL. Okay. जैसे मैं पहला video में था वो how to download my SQL कैसे करेंगे, and second video मेरा today and how to install SQL. Okay. एंड थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सक्यूएल का कंटेंट के बारे में, एंड एक्सक्यूएल का क्या क्या बेसिक कमांड है. ठीक है, एक्सक्यूएल का कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मॉड्यूल कैसा है, डाटाबेस क्या है, थोड़ा बेसिक क्या चीज़ भी ऊपर देखेंगे, सारा कुछ हम कवर करेंगे. ठीक है, थर्ड टॉपिक में. थर्ड टॉपिक थोड़ा थर्ड क्लासेस थोड़ा बड़ा होगा. ठीक है ना, बाकी जो भी क्वेश्चन हो आपका मेरे को क्वेश्चन करना कमेंट से. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन.